हेलो टू ऑल न्यू मॉम्स एंड डैड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। टीथिंग जो है बच्चों में 4 से 6 महीने में स्टार्ट हो जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है एक बच्चे के ग्रोथ या डेवलपमेंट में। टीथिंग प्रॉब्लम्स यानी जब दांत आता है बच्चों में तो उनको क्या क्या तकलीफ़ें होती है। जब बच्चों में दांत आना शुरू होता है तो बच्चों के नींद का जो पैटर्न होता है, स्लीप पैटर्न होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो ऐसे इरिटेटेड हो जाते हैं काफ़ी छोटी छोटी बातों पे, या फिर रोते हैं, या फिर जिस साइड से दांत आ रहा है वहाँ उन्हें खुजली होती है या उन्हें दर्द होता है, तो वो ट्राई करते हैं कि जो भी उनके हाथ में आए वो पकड़ के उसे चबा। कुछ बच्चों में डायरिया यानी दस्त या फिर बुखार जैसे चीज़ भी होती है, तो हम ये सब कैसे अवॉइड करें और क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। आपका बच्चा अगर 6 महीने से कम उम्र का है तो आप उसे माँ का दूध ही दे सकते हैं और हनी यानी शहद मसाज कर सकते हैं गम्स पे। टीथर्स आप फ्रिज में रख सकते हैं या फिर कोल्ड मसाज दे सकते हैं, आइस मसाज दे सकते हैं बच्चों को। उससे क्या होगा, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा उम्र का है तो उसको आप कैरेट दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं जो कि विटामिन सी से रिच होता है, या ग्रेप्स दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को निमोनिया है तो आप ऑरेंज या बनाना देना अवॉइड करें। आप इम्यूनिटी बूस्टर्स दे सकते हैं आपके बच्चे को, या कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, या फिर आप तुलसी और हनी मसाज कर सकते हैं गम्स पे। आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे सकते हैं अपने बच्चे को। यूजुअली ये दांत का आना 1-8 दिन लगता है एक दांत को आने में, तो दांत आने के 4 दिन पहले ही दर्द ये होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और 4 दिन तक और 3 दिन तक ये पेन रहता है। अगर वैसे पेन हो रहा हो और नहीं आ रहा हो दांत, तो आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें, और जो भी तकलीफ है, अगर डायरिया है, फीवर है, उसके लिए आप मेडिसिन दें बच्चों को। दांत आने के बाद आप अपने बच्चे के दांत का कैसा ख्याल रखें उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, ऊपर मैं इन्फो में दे दूंगी उसका लिंक, आप देखिए और अपने बच्चों के दांत का ख्याल रखिए। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूंगी। थैंक यू।